हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन की स्तर 3 से 5 समूह तरुण समूह की इंग्लिश वर्कबुक लेके आए हैं। ये इंग्लिश वर्कबुक जो है आपकी कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है और सत्र क्या है 2022-23। अब हमने आपको बताया कौन सा समूह बताया, तरुण समूह मीन्स स्तर 3 से 5, ग्रेड 3 से 5। तो जो बच्चा का स्तर किस आधार पर नापा गया कि इनका स्तर 3 से 5, आप बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन देंगे। बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकन के आधार पे आपका क्या होगा, टेस्ट होगा तो आपका वहाँ से ग्रेड होगा, जो स्तर चयन किया जाएगा। जो बच्चा 1 से 2 के स्तर में रहेगा वो अंकुर समूह कहलाएगा, जो बच्चा 3 से 5 के स्तर में रहेगा वो तरुण समूह कहलाएगा। और उसके बाद एक और स्तर आया है जो 6 से 8 है, जो बच्चा अच्छी पढ़ाई करेगा वह स्तर 6 से 8 में यानी उमंग समूह में आएगा। और यह बुक जो बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है। और आपको स्तर के बारे में भी बताई दिए कि जो हम वर्कशीट आपको बता रहे हैं ये वर्कशीट किस समूह की है, तरुण समूह की है, और स्तर क्या है 3 से 5, जिसे ग्रेड 3 से 5 कहा गया है। और इसके माध्यम से आज हम आपको जो तरुण समूह की अंतिम वर्कशीट है वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद आपके लिए हम उमंग समूह की वर्कशीट लेके आएंगे, जो उमंग समूह के बच्चे करेंगे। अभी वर्तमान में यदि आपके समूह डिवाइड नहीं हुए हैं तो आपको अंकुर समूह की भी गतिविधि कीजिए, तरुण समूह की कीजिए, उमंग समूह की, इससे आपका जो पढ़ाई का स्तर है अच्छा बनते जाएगा, बेस आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए हम वर्कशीट कौन सी लेके आए हैं, 52 वर्कशीट, 52 में क्या दिया है देखते हैं। और ये वर्कशीट जो आपका तरुण समूह यानी स्तर 3 से 5 की अंतिम वर्कशीट है, इसका 7 नंबर क्या दिया है, रीड द गिवन मैसेज। रीड को हमने पहले ही बताया, रीड यानी पढ़ना होता है, गिवन यानी दिया हो गया, और मैसेज यानी संदेश, दिए गए संदेश को पढ़ें। यहाँ पे एक संदेश दिया है, यानी संदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैसेज। यहाँ मैसेज दिया, इस मैसेज को हमको पढ़ना है। देखते हैं इस मैसेज में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है माँ, क्या लिखा है माँ, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखा है आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। यानी इस मैसेज में जो एक लड़का है, कौन है, पप्पू नाम का लड़का है, वह अपनी माँ से कह रहा है, माँ मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट। इसका हिंदी में हुआ, वह अपनी माँ से क्या कह रहा है, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आई विल बी बैक इन द इवनिंग। क्या कहा है इसमें, आई विल बी बैक इन द इवनिंग, और मैं जो शाम के समय वापस आऊँगा, बैक यानी शाम के समय वापस आऊँगा, विल आ रहा है, ये आई के बाद डबल एल है, इसका अर्थ क्या होता है, आई विल, इसका अर्थ क्या हुआ, आई विल, ये इसका अर्थ हो गया आई विल बी बैक इन द इवनिंग, और मैं शाम के समय वापस आऊँगा। ये कौन कह रहा है मैसेज में, पप्पू कह रहा है। अब इसके बाद देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेंगे। अब नीचे दिया है नाउ अब कंप्लीट दिस, अब निम्न मैसेज को पूरा करना है। यहाँ पे एक मैसेज दिया है, उसमें खाली स्थान दिया हुआ, उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। मैसेज में संदेश, अब ये संदेश किसके लिए है, यहाँ लिखा है पापा, अब ये संदेश किसके लिए है, पापा के लिए है, और पापा को भी कौन लिख रहा है, पप्पू नाम का जो लड़का है वह अपने पापा को लिख रहा है। तो क्या लिखेगा, जैसे उसने अपनी माँ को लिखा था उसी प्रकार आप किसको लिखेगा, अपने पापा को, क्या लिखा, आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी। अब पप्पू क्या कह रहा है अपने पापा से, मैं हॉकी खेलने जा रहा हूँ, मैं हॉकी खेलने जा रहा हूँ, कौन कह रहा है, पप्पू किससे कह रहा है, अपने पापा से कह रहा है। फिर उसके बाद क्या कहा, आई विल बी, आई वी विल बी इन द इवनिंग, क्या कहा,
आई विल बी बैक इन द इवनिंग। हमें बैक बोलना भूल चुके थे, इधर लास्ट में लिखा है, तो ये क्या हो गया, आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, इसका अर्थ फिर क्या कह रहा है, आई विल बी बैक इन द इवनिंग, और मैं शाम के समय वापस आऊँगा। कितने बजे, 8:06 o'clock, कितने बजे, 6 बजे। कौन कह रहा है, पप्पू कह रहा है, और किससे कह रहा है, अपने पापा से कह रहा है। इस प्रकार से आप मैसेज छोटे छोटे सेंटेंसों में लिख के आप प्रयास कर सकते हैं। ये तो एक आपको क्या एग्जाम्पल के रूप में बताया गया, आप अपने आप बता सकते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई विल बी इन द, जितने समय भी आप आना चाह रहे हैं, इवनिंग में आना, इवनिंग लिख दीजिए, नाइट में तो नाइट लिख दीजिए, समय लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप छोटे छोटे मैसेजों से इंग्लिश लिखना सीखिए और हिंदी के सेंटेंस बनाना सीखें। तो यहाँ पे आपकी जो अंतिम वर्कशीट थी कौन सी थी, वर्कशीट 52 थी, जिसमें मैसेज बताया गया था मैसेज कैसे लिखना है। तो ये आपकी अंतिम वर्कशीट 52 यहाँ पर समाप्त होती है, और स्तर 3 से 5 जो आपका तरुण समूह था समाप्त होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो जो वर्कशीट 52 या तरुण समूह की जितनी भी वर्कशीट बताई गई है आपको अच्छी लगे, तो प्रत्येक वर्कशीट को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।